हेलो गाइस, माय यूट्यूब फैमिली वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नाज गार्डनिंग एंड व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ प्लांट, आप लोग पहचान गए होंगे, बहुत से फ्रेंड नहीं भी पहचानते होंगे इस प्लांट को। तो इसका नेम बता देती हूँ, इसको रात की रानी कहते हैं। आज इसी की केयर आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये समर सीज़न का बेस्ट प्लांट है, ज़बरदस्त ब्लूमिंग करने वाला। और इसको हम गार्डन में लगाते हैं तो गार्डन हमारा रात में बहुत महकता है। इसको नाइट ब्लूमिंग के नाम से भी जानते हैं और रात की रानी के नाम से तो काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले इसकी प्रोपोगेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स। इसको कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं। मानसून सीज़न में इसकी कटिंग बिल्कुल आसानी से लग जाती है। पेंसिल कटिंग लेकर कहीं पर भी हम लगा दें, इसकी कटिंग आसानी से हो जाती है। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और बहुत बड़ा प्लांट मेरा ये हो चुका है। और अगर सनलाइट की बात करें तो फुल सन लविंग प्लांट है। पूरे दिन की धूप में ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। ज़बरदस्त इस पर बर्ड्स आती हैं। ये देखिए, आप मेरे प्लांट्स में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर खिले हुए हैं। रात में खिलते हैं, ये सुबह का टाइम है जब मैंने ये वीडियो बनाई है, इसीलिए आपको ये दिख रहे हैं। और इसके फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, किचन वेस्ट से जो भी हमारा लिक्विड वगैरह हम बनाते हैं सब्जियों के पील से, उसको ही हम दे देते हैं इसमें। और कोई डिसीज़ वगैरह भी इस प्लांट में नहीं लगती है। इसको कटिंग से आसानी से ज़्यादा प्लांट हम बना सकते हैं। कहीं भी अगर ये प्लांट दिख जाए तो आप इसकी कटिंग ले सकते हैं, कटिंग से इसको लगा लें। तो फ्रेंड्स, मेरी जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।